हेलो गाइस, जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा डेरिवेशन है वो कराएंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों पर प्रेरित आवेश। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों पर प्रेरित आवेश, समांतर प्लेट संधारित्र तो हमने आपको पीछे ध्रुवीय और अध्रुवीय कराए थे। तो इसमें एक ये बाह्यवैद्युत क्षेत्र की बाह्यवैद्युत क्षेत्र होता है, एक प्लेट होती है आपकी धन की, दूसरी प्लेट होती है ऋण की। इस तरीका से एक धनावेश धन प्लेट होती है तो दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणावेश होता है। इसमें जो जब ध्रुवीय अध्रुवीय पदार्थ रखे जाते हैं तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन हो जाती है, अभी बाह्यवैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वो किधर होगी, धनावेश से दूर ऋणावेश की ओर। ये बाह्यवैद्युत क्षेत्र है आपका, कौन सा क्षेत्र है, बाह्यवैद्युत क्षेत्र। जब इसमें अध्रुवी या ध्रुवी वैद्युत पदार्थ रखे जाते हैं तो जो धनावेश होते हैं वो इधर इस साइड में हो जाते हैं और ऋणावेश होते हैं वो इस साइड में हो जाते हैं। यानी धनावेश प्रबल होता है वो क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, ऋणावेश प्रबल क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो यहाँ पर इस जो आंतरिक बंधु क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाती है, इधर ऋण हो जाता है इधर धन हो जाता है। इस तरीके से धनावेश क्यों इधर हो जाते हैं, ऋणावेश इधर हो जाते हैं। तो इस तरीका से अब आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी इससे इधर की, यानी धनावेश से ऋणावेश की ओर। यह है ई आई और यह है ओ ई ओ। ओ का मतलब होता है बाह्यवैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई आई का मतलब होता है आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आउट इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, यह इंटरनल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जानते हैं कि न्यूमेरिकल के लिए करा रहे हैं, हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको पीछे, ई बराबर ई ओ माइनस के ई आई। बाह्यवैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में से आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम घटा देते हैं। जैसे बाह्यवैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा इधर है और आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, अगर हम परिणाम ही निकालेंगे तो इस बड़े वाली तीव्रता में छोटे वाली तीव्रता घटाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन कैसे है विपरीत है ये। और उसके बाद में हमने ये परावर्तन का सूत्र पढ़ाया था, के बराबर ई ओ अपॉन ई। बाह्यवैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को परावर्तन कहते हैं, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ से ई आई इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा ई आई बराबर ई ओ, इधर ये ले आओ माइनस का ई, ई आई बराबर ई ओ। ई के स्थान पर रख सकते हैं हम, यहाँ से ई का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका ई ओ अपॉन के। तो यहाँ आएगा ई ओ अपॉन के, ई आई बराबर ई ओ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा वन माइनस के वन अपॉन के, वन माइनस वन अपॉन के। E बराबर सूत्र होता है, E बराबर सूत्र आपने पढ़ा होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो ये हो जाएगा सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वन माइनस के वन अपॉन के। ये बाह्य है इसलिए सिग्मा रहेगा यहाँ पर। अब एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट काट देंगे तो ये बचेगा आपका सिग्मा आई बराबर सिग्मा वन माइनस के वन अपॉन के। और ये अभी आपको बताया था हमने पीछे, सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन ए, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। तो यहाँ सिग्मा का फॉर्मूला खोलेंगे तो सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ए। आंतरिक की बात है तो ये क्यू सपेक्ष में आई और ये सिग्मा बाह्य है तो यहाँ हो जाएगा क्यू अपॉन ए। बाह्य के लिए यहाँ यू नहीं लगाया हमने, वन माइनस के वन अपॉन के ए से काट देंगे तो ये हो जाएगा क्यू आई बराबर क्यू वन माइनस के वन अपॉन के। ये हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों पर प्रेरित आवेश, यानी आवेश के रूप में ये फॉर्मूला निकलेगा। तो यहाँ से इस तरीके से इस पर न्यूमेरिकल भी आया।